आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का फटाफट बनने वाला अचार। ये इंस्टेंट अचार है, आप बनाने के बाद इसे उसी वक्त खा भी सकती हैं। ये हमने 125 ग्राम हरी मिर्च ली है। ये मिर्च ज्यादा तीखी नहीं लेनी इस अचार के लिए, हल्की तीखी होने चाहिए। इन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया और कपड़े से अच्छे से सुखा लिया। बाद में इसे पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए रख दिया। मिर्च गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका अचार खराब हो जाएगा। अब इसके पीसेस काट लेते हैं। ये पहले इसकी डंडी निकाल लेंगे, फिर इसके छोटे छोटे ऐसे पीसेस काट लेंगे। और इसी तरह सारी मिर्ची की डंडी निकाल के इसके पीसेस काट लेंगे। सारी मिर्ची के हमने पीसेस काट लिए हैं। अब इन्हें साइड में रख देते हैं और अचार बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। वैसे अचार में थोड़ा ज्यादा ही ऑयल हो तो ही अचार टिकता है। ये हमने 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब गैस चलाएंगे। ये सरसों का तेल है, ये मैंने पहले ही इसका धुआं निकाल के ठंडा कर लिया था, तो उसी में से ही मैंने ये 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। इस अचार में हींग ज्यादा डलती है। साथ में ही ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये ताज़ा हमने कूटा है। ये 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, दोनों डालेंगे इसमें। गैस को लो मीडियम पे कर देंगे और इन्हें 1-2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक को हमने 2 मिनट भून लिया है, अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। इन्हें ज्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसमें ये 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई राई डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी, और ये हल्दी है 1/2 टीस्पून। नमक 1.5 टेबल स्पून, ये भी आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें 2-3 मिनट पका लेंगे ताकि मिर्च थोड़ी नरम हो जाए। गैस लो मीडियम पे रखेंगे और इसे लगातार करछी चला के भूनते जाएंगे। मिर्ची को हमने 4-5 मिनट लो मीडियम गैस पे भुना है। हमारी मिर्ची भी नरम हो गई है। अब गैस को बंद करेंगे और इसे एक साइड में दूसरे बर्नर पे रख देंगे और इसमें 6 नींबू का रस डालेंगे। जब भी नींबू का रस डालें, गैस हमेशा बंद करके डालें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा मिर्ची का इंस्टेंट अचार तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसमें सब मसाले और नींबू भी अच्छे से रच मिच जाएगा। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसे कांच के जार में भर के स्टोर करेंगे। इस अचार को फ्रिज में स्टोर करना है। ये अचार 15-20 दिन ही टिकेगा। इसे ज्यादा मत बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके बनाइए। जब खत्म हो जाए तो फिर और बना लीजिए। इस अचार को आप उसी वक्त भी खा सकते हैं, लेकिन एक दिन बाद खाइए, क्योंकि राई थोड़ी कच्ची होती है, थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है। नेक्स्ट डे इसका पूरा खट्टापन इसका टेस्ट आएगा। तो आप इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।